वहीं हथखोज के इंडस्ट्रियल पार्क के पास शुक्रवार की शाम को दो चोर गिरोह के बीच विवाद हो गया। विवाद क्षेत्र में चोरी करने को लेकर हुआ। इस पर एक गिरोह के बदमाश ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने पर सभी बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन कुछ घंटे बाद शनिवार की भोर में दोनों चोर गिरोह के बदमाश फिर से टकरा गए। इसके बाद इनके बीच में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें माझी चौक खुर्सीपार निवासी अशोक रजक उर्फ सोनू के पेट में चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने दोनों गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दी। कल रात में 12:30 बजे दो गैंग जो थे, चोरों का गैंग, पाँच छः लोग दोनों गैंग में थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई। उसके बाद दोबारा पुनः सुबह 5:30 बजे जो है आपस में लड़ाई हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और तीन लोग जो है उनको मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने 302 और 307 का FIR दोनों गैंग के ऊपर किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 में से एक व्यक्ति मृत हो गया, 8 में से 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दो लोगों की को भी खोजबीन की जा रही है। ज़्यादातर लोग पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुके हैं। जो मास्टरमाइंड था वो भी 1 महीने पहले ही जेल से निकला था और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस द्वारा जो है जेल से छूटने वाले सभी लोगों के ऊपर अब नज़र रखी जा रही है और जो भी FMI तत्व चाकू रखेंगे उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पहले भी क्राइम कर चुका था, चोरी के क्राइम में वो जेल जा चुका था और वो चोरी के लिप्त रहा है। लूट का